हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। आज जो हम करने वाले हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा का जो चैप्टर 5 जो हम कर रहे थे आधारभूत संरचना का विकास, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर में छोटी सी थोड़ी सी जो बातें हैं रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड, रेलवे डेवलपमेंट से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाती है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो दो पॉइंट रखे थे पिछले वाले सेक्टर में, हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में तीन सेक्टर दिए गए हैं। पहला दिया गया था पावर सेक्टर, जो हम कर चुके हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हमने सारी देखी थी कि सोलर एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, कितने 5 पार्क थे उनको देखा था कि एक पूरा आपका डेवलप हो गया है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा था, और इसके बाद में विंड एनर्जी देखी थी, बायोमास एनर्जी देखी थी, किसकी कितनी स्थापित क्षमता है, उस चीज़ का पूरा रिविजन करते रहिएगा। पहला देखा था हमने पावर सेक्टर, उसके बाद में आता है अपने पास में रोड डेवलपमेंट एंड रेलवे। तो रेलवे के अंदर में इतना कुछ दिया नहीं है, रेलवे के अंदर में आपने को सिर्फ ये देखना है कि कितना परसेंटेज का कितना है, टोटल लाइंस कितनी बिछी हुई है उसकी संख्या पूछी जा सकती है, या फिर टोटल जो इंडियन रेलवे है टोटल लाइंस है उनका कितना प्रतिशत है जो राजस्थान के अंदर में आता है, तो वो थोड़ा सा डाटा है। रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मॉडल्स है जो हमें देखना है, जैसे कि बोट मॉडल के थ्रू अगर हमें रोड बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, या फिर EPC मॉडल है, या फिर HAM मॉडल जो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल है जो नया आया है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे 5 नंबर में डायरेक्ट ही या 2 नंबर में ये मॉडल पूछे जा सकते हैं, तो उस चीज को डिस्कशन करना है। और साथ में ये तीनों मॉडल डिस्कशन करने के बाद आज देखेंगे राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022। तो 2022 की जितनी भी पॉलिसी जो अब तक हो रही है उन सब पॉलिसीज को आप अलग से नोट करते रहिएगा, सबको रिविजन करते रहिएगा, बिकॉज ये 2022 की जो पॉलिसी कई आ चुकी है उनमें से एक पक्का आएगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी REVP जो है 2022 के लिए अभी आई है, लागू हुई है आपकी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चीज को। आज हमारा 5th वाला चैप्टर है जो आधारभूत संरचना का विकास, इसका थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको डिस्कशन करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। कल से हम देखेंगे सर्विस सेक्टर का। तो आपके लगभग इंपॉर्टेंट आपके तीन आपके चैप्टर बचे हुए हैं, एक दो क्लासेस जो हर एक के हिसाब से 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो रोड लेंथ सबसे पहले आता है, जो हमने अब तक देखा है कि जितने भी हम करते हैं उनका सबसे पहले देखते हैं हम डाटा। तो रोड के हिसाब से डेवलपमेंट में देखें तो रोड लेंथ के हिसाब से आपको कौन सा डाटा पूछा जा सकता है वो देखना है। अब आप सोचोगे क्या ये सारा याद करना है, क्या आपको सारा पूरा याद नहीं करना है, ये कोई नहीं पूछेगा विलेज रोड में की लेंथ कितनी है, डिस्ट्रिक्ट रोड कितनी है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितनी रहेगी, स्टेट हाईवे है या फिर नेशनल हाईवे है, इनकी लेंथ कोई नहीं पूछेगा। बस ये क्या ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा है रोड की लेंथ कौन सी है, उसके बाद कम किसके, इसके बाद कम किसके, तो ये याद करना है हमें। सबसे ज़्यादा रहेगी आपकी विलेज रोड, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डाटा कि ये कितना है, 186,462 किलोमीटर आपकी विलेज रोड है वो दी गई है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, विलेज रोड रहेगी। उसके बाद में आप देखते हो यहाँ पे तो उसके बाद में रहती है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिनको कोई नहीं पूछेगा। आपके पास में 5 पॉइंट है, उनमें से 3 पॉइंट देखने हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो यहाँ पे विलेज रोड, उसके बाद में रहती है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उसके बाद अगर आप इन तीनों में देखते हो तो वो आता है आपका स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे उसके बाद में आएंगे आपके, उसके बाद आपके पास में मिलता है हमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई जाती है, सारे जिलों के अंदर की जो रोड है वो उनके बाद में उनकी लेंथ सबसे ज्यादा है, और सबसे कम लेंथ के हिसाब से अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाए सबसे कम लेंथ किसकी है तो वो रहती है नेशनल हाईवे की आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कौन सी है, विलेज रोड है, सबसे कम रहती है तो नेशनल हाईवे। अगर आपसे यहां पे चार को क्रमानुसार पूछ लिया जाए तो सबसे घटते क्रम में बताइए, सबसे ज्यादा रहेगी विलेज रोड, उसके बाद में स्टेट हाईवे आएगा आपका, उसके बाद में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आएगी आपकी जो जिलों के अंदर में बनाई जाती है, उसके बाद में आपका नेशनल हाईवे आएगा। तो इन्हीं को आगे पीछे करके आपसे पूछा जा सकता है कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बताइए, तो यही याद रखनी है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की। विलेज रोड रहता है, स्टेट हाईवे रहता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रहता है, उसके बाद में आता है आपका नेशनल हाईवे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी परियोजनाएं चल रही है, दूसरा बात आता है कि यहां से फाइनेंस कहां से मिल रहा है हमें, उस चीज को देखना पड़ता है कि हर एक के अंदर में हमने ये देखा है कि फाइनेंस जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने देखे थे बहुत सारी परियोजनाएं चलती थी जब वो वाटर डेवलपमेंट कर रहे थे उसके अंदर में भी, और उसके अलावा यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अगर क्या अलग अलग बैंक है जो अलग अलग यहाँ पे वित्त पोषित कर रहे हैं, कहते दो तीन स्कीम है, तीन स्कीम है यहाँ पे अलग अलग वित्त पोषित है। ADB कौन सी किसको कर रहा है, वित्त पोषित स्कीम कौन सी, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, अगर आपसे पूछा जाए
राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम इंग्लिश के अंदर में है स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो करता है ADB। इसके तीन चरण में चल रहा है, पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड अभी आपका चल रहा है। तो तीनों जो पार्ट है ADB की ट्रांस आती है अलग अलग, फर्स्ट के लिए ट्रांस वन आएगी, सेकंड के लिए ट्रांस टू, थर्ड के लिए ट्रांस थ्री। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपको अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग रोड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आपको वित्त पोषण मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश जो कार्यक्रम है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, तीनों के अंदर में कहाँ से आपको निवेश मिल रहा है, तो वो रहता है आपका ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा रहता है राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिल्कुल एक जैसे नाम है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम और यहाँ पे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो ये जो विकास कार्यक्रम है आपका, या फिर आप बोल सकते हो स्टेट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम रहता है, इसका कौन करता है? इसको करता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना आप। जब आपसे पूछा जाए राजस्थान वित्त पोषित कौन सा है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम किससे वित्त पोषित है, तो वो है ADB से। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम अगर आपसे पूछा जाता है, तो विकास कार्यक्रम आपका विश्व बैंक से वित्त पोषित रहता है। इसके अलावा एक आप लोकल लेवल पे देखें तो राष्ट्रीय, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं ईपीसी मोड के थ्रू नेशनल हाईवे का जो मोड के थ्रू नेशनल हाईवे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसके साथ में कौन है काम कर रहा है, वो कर रहा है PWD के साथ में, अपने PWD के साथ में करता है। तो इन तीनों पे फोकस कर लेना। इसके अलावा ऐसी कोई संस्था नहीं है जो स्पेसिफिकली हमें दी गई हो सर्वे के अंदर में, जो वित्त पोषण के हिसाब से काम में दी गई हो। तो अगर नेशनल हाईवे ईपीसी मोड के साथ में जिसमें काम कर रहा है, वो कर रहा है PWD के साथ। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम देखोगे तो विश्व बैंक के साथ है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम देखोगे आप, पहला, दूसरा और तीसरा, वो रहता है आपका ADB के साथ में। ठीक है, अब आते हैं, हमने मैंने बताया था तीन मॉडल है जिनके थ्रू हमें काम करते हैं। सबसे पहले जो मॉडल लाए गए थे वो लाया गया था BOT, बोट मॉडल। बोट मॉडल का मीनिंग क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा ये एग्जाम में, हो सकता है कहीं एक मॉडल पूछ लिया जाए या दो तीनों मॉडल पूछ लिया जाए, इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। बोट मॉडल रहता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी आप क्या करोगे, बिल्ड करोगे, उसको थोड़े दिन के लिए चलाओगे, उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दोगे। नाम से पता चल रहा है, तो यही चीज यहाँ पे दी गई है BOT मॉडल के तहत। हालांकि निजी कंपनियों की सक्रिय भूमिका होती है, ये संपत्ति को सरकार को वापस स्थानांतरित करने से पहले निर्दिष्ट वर्षों के लिए सड़क का निर्माण, संचालन और रखरखाव करते हैं इनके बीच में। और BOT मॉडल के तहत सरकार से टोल राजस्व या वार्षिक शुल्क एकत्रित करते हुए निजी कंपनियां परियोजना के लिए सभी वित्त की व्यवस्था करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि BOT जो मॉडल सबसे पहले आया था, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज को बोला गया कि आप यहाँ पे रोड डेवलपमेंट का इतना जो है टेंडर ले लीजिए, तभी आप 5000 किलोमीटर के हिसाब से रोड बना सकते हैं कि 4000 के हिसाब से बना सकते हैं। रोड का टेंडर दिया जाता है BOT मॉडल में। यहाँ पे क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपना पूरा पैसा लगाती है। अगर प्राइवेट कंपनी ने पैसा लगाया तो वापस कैसे वसूल करेगी, कि सरकार से टोल राजस्व के हिसाब से या वार्षिक शुल्क एकत्रित करते हुए निजी कंपनी अपनी सारी भी जो वित्त की व्यवस्था है वो करती है, वहां से टोल की वसूली करेगी। तो टोल की वसूली के लिए आपने देखा होगा टोल वसूली होती है, तो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए जितना भी इसमें दिया जाता है टोल, वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद वो सारी की सारी संपत्ति है वो किसको स्थानांतरित की जाएगी, पूरा जो आपने टोल प्लाजा लगाया है या फिर जो रोड का डेवलपमेंट किया है, या उस दौरान 10 साल तक अगर आप टोल वसूल कर रहे हो, 20 साल तक टोल वसूल कर रहे हो, उस दौरान जो सड़क की मरम्मत का काम किया गया है वो सारा काम वो प्राइवेट कंपनी करेगी। तो बिल्ड करेगी, उसको थोड़े दिन के लिए ऑपरेट करेगी, 10 या 20 साल के लिए, 15 साल के लिए उसको जब मेंटेनेंस रखेगी, उसके हिसाब से अपना पैसा वापस वसूल करेगी। उसके बाद उस संपत्ति को राज्य सरकार को वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अगर उसको दोबारा बनाने की व्यवस्था या उसको मरम्मत के लिए रखना है, तो वो दूसरी कंपनी को दिया जा सकता है। यह सरकार कैसे मैनेज करती है वो उसके ऊपर में है। तो सबसे पहला मॉडल आया था अपना BOT मॉडल, जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। दूसरा मॉडल आता है अपना उसके बाद में ईपीसी मॉडल आता है। ईपीसी किसके लिए स्टैंड करता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यहां पे दिया गया। ईपीसी मॉडल में क्या करती है कि सरकार सड़क बनाने के लिए निजी कंपनियों को भुगतान करती है, सड़क के स्वामित्व, टोल संग्रहण, रख रखाव में निजी खिलाड़ी की कोई भूमिका यहां पर नहीं होती है, ये
काम किया जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग करना आपको, आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, आपकी क्वालिटी है जो कंपनी की, जो इंजीनियरिंग में है, प्रोक्योरमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में जो इनेबल कर सकती है, गवर्नमेंट को सहयोग कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे जितना भी अपना जो प्राइस है या आपकी जो कॉस्ट है वो वहन करती है यहाँ पे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देगी किसी कंपनी को पैसा, पूरा पैसा गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसको बनाने के लिए, तो हम उनकी जो जो टेक्निकल इसके अंदर में है कंपनी के द्वारा जो ईपीसी मॉडल है उसमें जो उनके टेक्निकली अचीवमेंट है उसी का यूज किया जाता है, एबिलिटी उनका यूज किया जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। जो पैसा है वो सारा गवर्नमेंट लगाएगी। अगर पैसा गवर्नमेंट लगा रही है तो सोचो कि उसके बाद में जो टोल वसूल करने का काम कौन करेगा, वो भी सरकार ही करेगी। तो यहाँ पे बिकॉज सारा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया तो गवर्नमेंट ही टोल वसूल करेगी। मॉडल सेम रहेगा बोर्ड की तरह कि आपका पैसा लगाया जाता है उसके बाद में टोल के थ्रू पैसे की वसूली की जाती है, लेकिन ये सारा पैसा गवर्नमेंट लगाती है। यहाँ पे इनका काम रहता है इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का और कंस्ट्रक्शन का। जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट को स्थानांतरित कर दी जाती है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट उसका पेमेंट कर देती है, और जो पैसा लगा था गवर्नमेंट का वो टोल संग्रहण के माध्यम से या मेंटेनेंस में जितना लगता है वो टोल संग्रहण के माध्यम से सरकार वापस ले लेती है। उसके बाद में आया था तीसरा मॉडल जिसको बोलते हैं, अभी लेटेस्ट जो मॉडल रहता है वो रहता है HAM मॉडल, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। हाइब्रिड एन्यूटी, हाइब्रिड से पता चल गया होगा कि दो चीज़ों का ये मिक्सचर होगा। अब दो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, अभी तक हमने दो मॉडल देखे हैं, बोट मॉडल देखा है, ईपीसी मॉडल देखा है, तो इसमें दोनों का मिक्स करके एक तरीके से मॉडल बनाया गया है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। इसमें ये जरूरत क्यों पड़ी देखते हैं कि इसमें हाइब्रिड क्या है। इसमें एक तो ईपीसी हमने मॉडल देखा था, बीओटी मॉडल देखा था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल जो सबसे पहले आया था, जहां पे कंपनी पूरा पैसा लगा रही है और टोल के माध्यम से अपना पैसा वापस वसूल कर रही है 10-15 साल के बाद में। ईपीसी आया था जहां पे बिल्कुल टोल वसूल नहीं कर रही है, उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उनका काम है बना के वापस गवर्नमेंट को देना, गवर्नमेंट टोल वसूल कर रही है। तो यहां पे ईपीसी और बीओटी मॉडल है ना, इनका एक मिश्रण मॉडल है ये हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। कितना रहता है इसमें, इसके अंदर में ईपीसी जो है 40% रहता है आपका, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट जो है ईपीसी कंस्ट्रक्शन मॉडल उस वो रहता है 40%, और जो बोट मॉडल है उसको रखा गया है यहाँ पे 60%। तो सबसे ज्यादा है कि 60% के हिसाब से बना रहे हैं हम बोट मॉडल के हिसाब से इस हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को, 40% रहता है ईपीसी मॉडल वाली जो बात है वो। ये कैसे रहेगी, यहाँ पे सरकार की ओर से जो पैसा देता है वो कौन देता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे करेंगे क्या है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2-5 नंबर में तो क्या लिखना है इसके अंदर में, तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें 40% की राशि जो है वो जारी करता है NHAI। NHAI 40% की राशि जारी करता है, 60% की व्यवस्था जो कंपनी बना रही है उसको करनी है, समझ गए। इसलिए यहाँ पे ईपीसी मॉडल क्या है 40%, बीओटी मॉडल रहता है 60%। बीओटी में क्या था, पूरा कंपनी दे रही थी पैसा सड़क बनाने के लिए, लेकिन ये कंपनी देगी यहाँ पे 60% का, और जिसको बोल देंगे बीओटी मॉडल हो गया, और ईपीसी के अंदर पूरा गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ ही 40% दे रही है। तो न तो गवर्नमेंट के ऊपर में ज्यादा बर्डन आ रहा है कि सारा का सारा पैसा आपको देना है, और कंपनी के पास में भी ऑप्शन रहता है कि वो कुछ मात्रा में टोल की वसूली है कुछ सालों के लिए, पहले जैसे 15 साल कर रहे थे तो अब ये 5 साल कर लेंगे, क्योंकि इनका जितना पैसा लगा है वो वसूल करना है इनको बीओटी मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो टोल के लिए भी सरकार को कम टाइम के लिए सड़क को उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहता है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। यहाँ पे सिर्फ याद रखना कि जो NHAI है भारत सरकार की तरफ से जो हैंडल करता है वो 40% की राशि देगा, 60% की राशि जो डेवलप करते हैं वहां पे जो कंपनी डेवलप कर रही है वो दी जाएगी। इसलिए ईपीसी का हिस्सा रहेगा इसमें 40% का, बीओटी का हिस्सा रहेगा अपना 60% का। तो ये तीन मॉडल है जिनके थ्रू यहाँ पे रोड डेवलपमेंट का काम किया जाता है, ठीक है। हमने अभी देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो हमने देखा था NHAI, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा कौन देता है, NHAI इसको स्वीकृति जारी करता है। तो NHAI है क्या, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम NHAI अधिनियम 1988 था उसके द्वारा की गई थी। किस कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी ये लिखना जरूरी रहता है कि NHAI की स्थापना रहती है NHAI अधिनियम 1988 उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या रहता है जो अभी देखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जितनी भी है उनको लागू करना जो चरणबद्ध तरीके से भारत की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। सबसे पहला काम क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो गवर्नमेंट ने जारी की हुई है, या राष्ट्रीय राजमार्ग के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम है गवर्नमेंट के, वित्त को अगर आपको परमिशन देना है कि इतना फाइनेंस यहाँ पे एलोकेट होना चाहिए, तो सारा किसके थ्रू किया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का लगभग
2% ही है। यहाँ पे एक साथ में ये भी बात लिख लो कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग की बात करते हैं हम, जो ये क्या है टोटल जो सड़क नेटवर्क, अभी हमने देखा था विलेज वाली बहुत ज्यादा थी, एक पिक्चर सी थी, लेकिन 10,000 ही थी नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे अगर राजस्थान के अंदर में भी देखे तो इसी तरीके से अगर टोटल अगर इंडिया का देखें, ये पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सड़क नेटवर्क का लगभग 2% ही है, ये कुल सड़क यातायात का लगभग 40% वहन करता है। याद कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितना है टोटल, जितना भी सड़क नेटवर्क आप देखते हो, विलेज का देखते हो, रोड का, जो डिस्ट्रिक्ट रोड देखते हो, स्टेट हाईवे हो गए, नेशनल हाईवे सारे मिला के आपके पास है, तो उसका कितना प्रतिशत है आपके पास? 2% ही है नेशनल हाईवे, ठीक है ये। लेकिन अगर आप यातायात का देखो कितना है आपके पास में वहन करते हैं, तो वो रहता है 40%। आपने देखा होगा मेजर जो ट्रक है, अगर हम दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो उसे कौन से जाएगा? नेशनल हाईवे से जाएगा, विलेज रोड से थोड़ी जाएगा। तो ज्यादातर जो आपका यातायात रहता है सड़क का, वो 40% तक आपका वहन करता है नेशनल हाईवे, जबकि इसकी टोटल में लंबाई रहती है 2%, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बोल दिया जाए, इसका विजन के बोल दिया जाए, क्या है कैसे लिखोगे तीसरा पॉइंट, तो ये रहता है कि वैश्विक मानकों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के प्रावधान और रखरखाव के लिए राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किसका रहता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम है, जो प्राधिकरण है, जो NHAI अधिनियम 1988 के तहत बना था, उसका रहता है कि जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है अपने, ठीक है, जितने भी अपने हाईवे बन रहे हैं, ऐसे नहीं मत एक स्टैंडर्ड होता है कि इसी तरीके से बनाया जाता है, तो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उनके अनुरूप ही राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है उनका विकास करना है, ये सुनिश्चित करता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। अब आती है अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रोड, इतना ही है कि रोड की लेंथ हमने देख ली है, कौन सी कितनी कम है कितनी ज्यादा है, उसके अलावा कौन से मॉडल है जो अपनाए जा सकते हैं यहाँ पे, और NHAI का स्थापना कब हुई थी और उसके विजन क्या है। अब आती है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति जो 2022। अब ये सबसे पहले जो भी नीति करते हैं उसको देखना होता है कि ये आई कब थी, ये आई थी 1 सितंबर 2022 को, ये आती है इलेक्ट्रिक नीति 1 सितंबर 2022 को, और कितने साल तक प्रभावी रहेगी? 5 साल तक ही प्रभावी रहेगी, यानी 1 सितंबर 2022 को आई है, 5 साल तक इस नीति के अनुसार हमें क्या करना है, इसके गोल क्या रहेंगे, टारगेट क्या हमने डिसाइड किए, और इसके अलावा टोटल इसका विजन क्या है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या अलग से इसके लिए सुविधा की गई है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पे अपने ये 10 नंबर में 5 नंबर में किसी के हिसाब से आ सकती है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति आपकी। तो 1 सितंबर 2022 से प्रभावी है, 5 साल तक प्रभावी है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों लाए गए थे ये चीजें। तो व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए नीति आई है तो ये क्या फोकस क्या कर रही है किसके ऊपर में, कि आप जी पर्सनल व्हीकल है आपका या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपका, तो पर्सनल व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना, दोनों क्षेत्र के अंदर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना सके, एक इंडिविजुअल भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इनकी व्यवस्था हो सके, इसके लिए हमें सक्षम बनाना या इस चीज को समर्थन करना है, उसका काम है पहला, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। दूसरा बी पार्ट पॉइंट क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, पहला था कि पर्सनल हो चाहे पब्लिक व्हीकल हो, दोनों क्षेत्र में आप ईवी को अपना सके, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव ना, पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उसके बाद आप एक क्वांटिटेटिव तौर पर टारगेट सेट करते हो कि इन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हमारे पास कितने टारगेट होने चाहिए, वो भी हमें देखना है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम पब्लिक और पर्सनल व्हीकल ईवी है हमारे पास, तो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन भी होनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशन होनी चाहिए, या बैटरी पर चल रहे हैं तो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होनी चाहिए कि एक बैटरी है आपके पास, गए वहां पर बैटरी रखी, दूसरी आप ले सकते हो, या चाहे गए थोड़ी देर के लिए चार्ज लगाया, लंबी दूरी पर जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या पर्सनल व्हीकल के हिसाब से, तो आपके पास ये होना चाहिए। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि ईवी चार्जिंग स्टेशन का और बैटरी स्वैपिंग के जो स्टेशन है उनका जो नेटवर्क है उसको मजबूत करना, उस नेटवर्क को मजबूत करना, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, कि राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि ऐसे तो ये काम होगा नहीं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन बैटरी स्वैपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे जो इतना हमें नेटवर्क है उसको कैसे मजबूत करना है, कौन सी जो चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी बैटरी है जो इफेक्टिव है, तो वो सारी चीज़ें अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस बोलते हैं इसको, कि आपके पास कौन से चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, कौन से बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होना चाहिए, बैटरीज कौन कौन सी यूज़ करनी है, ईवीज है वो सबसे ज़्यादा इफिशियंट कौन सी है, किसको यूज़ करना है, तो इनके रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड स्पेस
में ये जो बातें हो रही हैं इनसे रिलेटेड अनुसंधान और विकास करना, और जो है तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट करना। तो ये तो हर एक स्कीम में रहेगा कि उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल चाहिए उसको डेवलप करना। तीसरा पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसके लिए स्पेशल नीति लाई गई है, कोई तो ऑब्जेक्टिव सेट करें। फोर्थ पॉइंट रहता है आपका कि रिप 2019 के तहत तो उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना। इन्होंने बोला जितनी है वो तो ठीक है, लेकिन राज्य भी निर्माण में सहयोग करेगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में हो, चाहे इलेक्ट्रिक बैटरी है, उसके जो भी कंपोनेंट बनाने हैं। तो हमने देखा था एक थी रिप्स 2019, ये हमने कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर में, कि रिप्स 2019 के अंदर में कुछ स्कीम्स है, कुछ नीति है, उनके अंदर में हमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन देना है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी के निर्माण को उस नीति के तहत उचित प्रोत्साहन देके हमें इसमें प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। तो चार पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट था प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल को प्रमोट करना, कि ताकि प्राइवेट और पब्लिक तौर पे ईवी हम क्या एक्सेप्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट था अगर कई है तो उसके लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है, उनका नेटवर्क है, उनको मजबूत करना। तीसरा रहता है आपके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो ये स्पेस है इसके बारे में अनुसंधान विकास और कौशल को बढ़ावा देना। चौथा रहता है 2019 जो परियोजना हमने देखा था, योजना लाए थे, उसके तहत इनको प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देना। ये जो चार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो अगर आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 पूछी जाती है या ये पूछा जाए, सवाल ये आपके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को जो है या इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ माइग्रेशन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन आप के लिए आप यूज कर सको, इसके लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रयास किए गए, तो वो सारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है उसमें दिया गया है, वो सारे गवर्नमेंट के ही प्रयास है। ये ऑब्जेक्टिव क्या आप बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है वो बताना चाह रहे हैं, तो ये आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं कि ये तो थे जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो आपको क्या है। अब मैंने बोला कि पब्लिक और प्राइवेट जो व्हीकल यूज करो या चार्जिंग स्टेशन बनाओ वगैरह बनाओ या स्किल डेवलपमेंट करो या प्रोत्साहन दो, तो कौन कौन से इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, इनके कैटेगरी जो क्वांटिटेटिव तौर पे टारगेट क्या है सेट किए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इसके लक्ष्य क्या है, या फिर सिंपल भी पूछा जा सकता है टारगेट क्या है। पांच नंबर पूछा जा सकता है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के टारगेट बताइए। तो लक्ष्य क्या है कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का जितने भी है अब तक के दोपहिया वाहन आप यूज करते हो, स्कूटर यूज करते हो, स्कूटी यूज करते हो, दोपहिया वाहन है उनका 15% है वो इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करना, कि उनको रिप्लेस करके 15% है वहां पे इलेक्ट्रिक वाहन होनी चाहिए अगले 5 साल के अंदर में। दूसरा क्या है, जो तिपहिया वाहन है इलेक्ट्रिक वाहन उनका 30% तक, तिपहिया वाहन ज्यादातर ऑटो ये रहेगा, तो उनका 30% तक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, उसको ईवी में चेंज करो। ठीक है, अगर आपके पास तीसरा लक्ष्य क्या है इसका, 5 साल में क्या करना है, चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है उनका, कार हो गई, बस हो गई, कुछ भी है, चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन का 5% आप ईवी में तब्दील करोगे। ठीक है, तो ये आपको लक्ष्य टारगेट याद करने हैं कि दोपहिया वाहन है उनका 15% होना चाहिए, तिपहिया वाहन उनका कितना होना चाहिए 30%, चौपहिया वाहनों का 5% होना चाहिए। ठीक है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, क्या करना है कि प्राथमिकता वाले शहरों को, जैसे कि जयपुर हो गया, नियरेस्ट जो सिटीज है जो सबसे ज्यादा आपके जो ट्रांसपोर्टेशन में योगदान देते हैं, जयपुर अजमेर को कनेक्ट कर सकते हो, जयपुर सीकर को कर सकते हो, तो प्राथमिकता वाले शहरों को जोड़ने के लिए मार्गों में उपयोग की जाने वाली ई बसों में चरणबद्ध परिवर्तन करना, कि जितने यहां पे इस राउट में बसें चल रही है सबसे ज्यादा सबसे पहले फोकस करेंगे उनके ऊपर कि वहां पे ई बस हमें चरणबद्ध तरीके से, उनमें जो जितनी भी बसें चल रही है उनको धीरे धीरे, इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है लेकिन जितनी हो सके उतना को ई बसों में परिवर्तित करना है। ठीक है, फिफ्थ आपके पास पॉइंट क्या है, अगले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 35 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। अब आपको 15% टू व्हीलर को, 30% थ्री व्हीलर को, 5% फोर व्हीलर को अगर चेंज करना है, कुछ बसें भी है जो टारगेट नहीं सेट हो लेकिन कुछ बसें हैं उनको आपको परिवर्तित करना है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हर साल आपने टारगेट लगाया कि 35 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 35 लाख, तो आपके पास 5 ऐसे टारगेट्स हैं, अगर आपसे पूछ लीजिए कि टारगेट बताइए, सीधा पूछा जाए तो पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उसके बाद टारगेट लिखोगे, उसके बाद जितने इंसेंटिव दिए वो लिखोगे जो अगली स्लाइड में, लेकिन आपसे अगर सीधा टारगेट पूछा जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो ये लिख सकते हो आप, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, उसके बाद में जितने भी प्राइमरी जो ट्रांसपोर्टेशन वाले शहर है उनका आपस में जोड़ने के लिए जितनी बस है उनको ई बस में तब्दील करना, और फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कि अगले 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष, 1 साल के अंदर में आपका 35 लाख होने चाहिए यूनिट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकलों का निर्माण करोगे या प्रोडक्शन करोगे।
ठीक है। अब इसके साथ में हमने देखा था कि जो 2019 की नीति है, जो रिप्स 2019 है, उसके तहत आपको इंसेंटिव भी दिए जाने हैं। तो वो कौन सी इंसेंटिव आपके रहेंगे वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन के लिए कौन सी इंसेंटिव दे रही है। राजस्थान मोटर चालन वाहक कराधान अधिनियम जो 1951 है उसके तहत दे जो मोटर वाहन कर होता है, ग्रीन टैक्स होता है। दो चीज होती है जब आप कोई भी नया वाहन लेके आते हो, तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के तहत आपको मोटर वाहन का कर देना पड़ता है। टैक्स देते हो आप, रोड टैक्स देते हो और ग्रीन टैक्स भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि मोटर व्हीकल जो एक्ट, टैक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर में मोटर व्हीकल का जो टैक्स मिलता है आपको और जो ग्रीन टैक्स देना होता है उसमें छूट दी जाएगी आपको। ईवी के अंदर में आपके ये टैक्स नहीं लगेंगे, मोटर वाहन का ग्रीन टैक्स नहीं लगेंगे। दूसरा क्या बोला है, यात्री सामानों को ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट। आप यहाँ पे जो भी आप नॉर्मल डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, उनसे आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आपके लिए परमिट चाहिए होता है कि कितनी आपके, जैसे बस है उसके अंदर में 100 से या 50 से ज़्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए, या आप यहाँ पे सामान लेके जाते हो तो एक निश्चित जो सीमा दी गई है कि सीमा से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उनके अंदर में परमिट की जरूरत रहती है, आपके पास होना चाहिए। चलाने के लिए भी परमिट होता है, लगता है उसके साथ में, लिमिटेशन के साथ में। तो उस परमिट की आपको यहाँ पे अभी थोड़े टाइम के लिए छूट दी जाएगी कि परमिट लेने की जरूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए जिसमें जितना आपको खरीदते हो तो उसके दौरान जो जीएसटी वगैरह लगता है आपका, स्टेट का एसजीएसटी लगता है, उसके अंदर में उसको रीएम्बर्स, प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी, उसको रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। एक बार भरते हो तो गवर्नमेंट है, ईवी के अंदर में जितना भी आपका एसजीएसटी लगा है 18% के हिसाब से लगे, कितने कौन से स्लैब में आता है वो देखते हैं, तो ईवी के अंदर में जितना भी एसजीएसटी लगता है वो आपको रीएम्बर्स कर दिया जाता है। आपका एसजीएसटी बचता है, आपके पास में मोटर वाहन का ग्रीन टैक्स है वो बच जाएगा, उसके अलावा जो परमिट की जरूरत है उसमें आपको छूट दी जाएगी। तो स्पेसिफिकली ये तीन पॉइंट है याद कर लेना कि इसके अंदर में आपको कौन से इंसेंटिव दिए गए हैं वो साथ में। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव है, आपके पास टारगेट है, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कौन से इंसेंटिव दिए गए हैं वो आपके पास आ गए। तो ये बहुत अच्छी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के साथ ये पूरा कर लेना। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 1 सितंबर 2022 से 5 साल तक है, ठीक है अपना। अब ये हो गया खत्म रोड वाला ट्रांसपोर्टेशन, रोड के अंदर में हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हमने कंप्लीट कर लिया कि इनको चेंज भी करते हैं तो उनके लिए कौन सी नीति इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पोर्शन रेलवे का है, थोड़ा सा यहाँ पे आपदा प्रबंधन के लिए जो नीति दी गई है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड दिया गया आपका, ठीक है। रेलवे, रेलवे क्या है कि मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है हमें देखनी है 6019 किलोमीटर है। एक तो ये पॉइंट याद होना चाहिए रेलवे के अंदर, कुछ नहीं रेलवे के अंदर दो पॉइंट है, लास्ट स्लाइड है। तो रेलवे के अंदर में कितनी है लंबाई हमारे पास में 6019 किलोमीटर जो है रेल मार्ग की कुल लंबाई है। राज्य में रेलवे की लंबाई अखिल भारतीय मार्ग की लंबाई जो है 68,103 किलोमीटर का 8.83% है। तो अगर नेशनल लेवल पे पूछा जाए तो रेलवे की कितनी है 68,103 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। राजस्थान के अंदर में कितनी है 6,019 किलोमीटर है। ये 6,000 किलोमीटर अगर ये पूछ लिया जाए कि टोटल जो रेल मार्ग है उनकी लंबाई का कितना प्रतिशत है राजस्थान के अंदर में, तो 8.83% याद कर लेना, 8.83% है जो भारत के रेलवे मार्ग की है उसका 8.83% यानी कि 6,019 किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर में आता है, ठीक है ये बात। अब आता है अपना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। राज्य का आपदा जो निधि योजना आपकी दी गई है कि अगर आपके पास कोई डिजास्टर आता है तो उसके रिस्पॉन्स करने के लिए एक फंड बनाया जाता है राजस्थान का, वो क्या है, ये इसको किया गया था कब किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसके अंदर में जो भारत सरकार है उसको कितनी सहायता देती है अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर आता है, तो उसके अंदर में छोटा सा पॉइंट है ये। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम पहला क्या सबसे पहले याद कर लो कब आया था 2005 में, उसकी धारा 48(1)(a) के अंदर में लिखा गया है, सब जो ए पार्ट है 48(a) का, कि द्वारा गठित है अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि यही होती है, कि यहाँ पे एक यहाँ निधि बना दी गई है, फंड बना दिया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत, जिसके अंदर में जितने जो अधिसूचित आपदा है उन्हीं के अंदर में जिसमें लिखा होता है कि यहाँ फ्लड आया तो क्या होगा, सूखा आया तो क्या होगा, तो अधिसूचित जितनी आपदा है उनकी आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकार के पास एक प्राथमिक निधि रहती है, उसको बोलते हैं हम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। यहाँ पे केंद्र सरकार का योगदान कितना है वो इंपॉर्टेंट है, कि अगर नॉर्मल स्टेट है उनमें कितना दिया जाएगा 75%, और जो स्टेट कितना देगा 25%, 25 का रेशो रहेगा। अगर विशेष श्रेणी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, हिली एरिया हो गए ऊपर, तो उनके अंदर में कितना रहेगा 90% जो रहेगा
सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेंटर जो सपोर्ट करती है हर स्टेट को जब भी आपके पास में डिजास्टर ऐसा कुछ आता है, तो उसके हिसाब से जो इतनी अधिसूचित आपदा है उसके अंदर में सामान्य राज्यों के अंदर में 75% इस फंड के अंदर में डाला जाता है, 25% योगदान देते हैं स्टेट वाले, और अगर विशेष श्रेणी है तो उसमें 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी, 10% है जो वो राज्य सरकार देगी। ये आता है आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंदर में बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ जो चैप्टर है आधारभूत संरचना का विकास वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा सर्विस सेक्टर, उसके साथ में ही कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो अब तक हमने करवाए हैं उनके बनाए हुए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जब सारे 3-4 चैप्टर बचे हैं उनको 7-8 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो सारे चैप्टर का मिला के 100 या 200 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे। तब तक देखते रहिए, कोई भी अगर डाउट हो आप पूछते रहिएगा। धन्यवाद।